तो संभल हिंसा पर सियासत हो रही है और विपक्ष संभल जाने की जिद पर अड़ा है, जबकि शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है 10 दिसंबर तक किसी बाहरी व्यक्ति के संभल प्रवेश पर पाबंदी है। इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अपनी राजनीति की चिंता करने वाले नेताओं को ये कुछ दिन की मियाद रास नहीं आ रही। कब कब संभल जाने की कोशिश हुई, हम आपको दिखाते हैं कि करके टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले 30 नवंबर 2024 समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला, नहीं जाने दिया गया। उसके बाद देखिए पुलिस ने जाने से उनको रोक दिया। 2 दिसंबर को क्या होता है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निकलता है, वो भी संभल जाना चाहता था लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं मिली, पुलिस ने संभल जाने से इनको भी रोक दिया। अब आते हैं आज के दिन पे, राहुल गांधी 4 दिसंबर, देखिए राहुल गांधी संभल के लिए निकले लेकिन फिर 2 घंटे तक जद्दोजहद चली, पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया, उनके कदमों को थाम दिया। राहुल ने संविधान विरोधी इसे कदम भी करार दे दिया है, संविधान विरुद्ध काम कर रही है, नाकामी चुक पा रही है सरकार। यानी लगभग 1 हफ्ते के भीतर 3-3 कोशिशें विपक्ष कर चुका है। अब आपको ये दिखाते हैं, देखिए अब सवाल ये है कि संभल जाने से आखिर क्यों रोका जा रहा है, पुलिस तर्क क्या दे रही है इसके पीछे, तो एक एक करके वो तर्क भी आपको दिखाते हैं। पहला, संभल में राजनेताओं के जाने से माहौल के दोबारा बिगड़ने का खतरा है, ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कहा गया। राजनीतिक दलों के जाने से लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि माहौल वहां पर इंटेंसिफाई है। तीसरा, राजनीतिक दलों में वर्चस्व की ओर से हालात बिगड़ने का डर है और यह हो रही है, जिसकी वजह से कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने की जिद पर अड़ा नजर आता है। देखिए ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, किसी भी राज्य में जहां ऐसी कोई भी घटना होती है वहां ये वो एहतियाती कदम है प्रशासन द्वारा जो किसी भी शासन प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि संभल यूपी में है और यूपी देश का वो सूबा जो सीधा केंद्र की राजनीति को प्रभावित करता है, लिहाजा मामला राजनीतिक हो चला है। संभल में हिंसा के बाद देश का सियासी पारा हाई, अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर। उनका साफ कहना है कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव में धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा की आग को भड़काया। सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है। संसद में भी अखिलेश संभल को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने सरकार पर संभल में भाईचारे को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया, साफ कहा कि भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है, ये खुदाई जो है हमारे देश के सौहार्द भाईचारे को खो देगा। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। एक तरफ अखिलेश लगातार संभल हिंसा को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे हिंसा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के बीच वर्चस्व की लड़ाई करार दे रही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये संघर्ष हुआ है जिसमें 4 लोग मारे गए। अब सपा मुआवजा बांटने और प्रतिनिधिमंडल भेजने का ड्रामा कर रही है लेकिन संभल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही, पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी।
इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिम वोटों के लिए लुभाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए खुद को उनका हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है।